दिल्ली से हम निकल चुके हैं टूवर्ड्स रांची। सो गाइस आवर स्नैक्स इज हियर। कानपुर हम आ चुके हैं। ये है हमारा ब्रेकफास्ट एंड वी हैव रीच रांची। अभी मैं हूँ NDLS में, दिस इज प्लेटफॉर्म नंबर 1। भाई साहब इतने फैंस हैं इधर, इतने फैंस हैं, मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको ठंडा रख सकें। और अभी हो रहा है 46 डिग्री सेल्सियस। मुझे जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 14 में, उस साइड है, बिल्कुल उस साइड है। क्यों जाना है, टाइटल थंबनेल देख के समझ ही गए होगे। एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। अभी हो रहे हैं 3:20। मुझे लग रहा था कि हमारी ट्रेन लग रही है, बिकॉज हम निकलेंगे यहाँ से 4:10 को। ये डिब्रूगढ़ राजधानी, एक्चुअली पता नहीं ये लग रही है फिर ये हटेगी, बट ये नहीं है, इसके बाद आएगी। सो राइट नाउ इट्स 3:48। अंदर आके मैं बैठ चुका हूँ, मेरा कैबिन है ए अपर। लगभग 15 मिनट पहले ये ट्रेन लगी है एंड दिस इज रांची राजधानी। तो मैं जा रहा हूँ रांची फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मैं पहले कभी झारखंड नहीं गया, दिस इज द फर्स्ट टाइम हम ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट एसी में। बहुत गजब का एक्सपीरियंस होने वाला है। हम यहाँ से निकलेंगे अराउंड 4:10 को एंड द प्राइस जो मैंने पे किया है इसके लिए, दैट इज अराउंड 4,900, लगभग अराउंड 5,000 के आसपास कह सकते हो। कल टिकट कराई थी मैंने इसमें बुक, लेकिन वो कंफर्म नहीं हुई, तो इसलिए मैंने फिर नेक्स्ट डे कराई। सीट है मेरी ए ऊपर वाली। आप लोग कहते थे ना हर बार भाई तुझे लोअर कैसे मिल जाती है, भाई इस बार नहीं मिली है, इस बार ऊपर वाली मिली है। तो एक जो चीज मुझे अलग लगी है इस वाले कोच में, इसके जो कर्टन्स हैं इसका कलर देखो बिल्कुल अलग है। तो आज तक जितनी भी जर्नीज किया ना, किसी का भी कलर ऐसा नहीं था, बिल्कुल अलग कलर है। दिस इज द इंटीरियर। सॉकेट वगैरह लगे हुए हैं, ऊपर भी है, नीचे भी है, यहाँ पे लगा है रूम फ्रेशनर एंड वहाँ पे रीडिंग लैंप्स, लाइट्स, एसी और वहाँ पे डक्ट। तो मेरी सीट है ये वाली। तो व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना एंड इससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड मैं और अच्छा काम आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। सो फार सो अमेजिंग। 15 मिनट बचे हैं यहाँ से निकलने को। तो दिल्ली का टेम्परेचर हो रहा है लगभग अराउंड 46 डिग्री सेल्सियस, काफी गर्मी है और अंदर जो है बकायदा प्रॉपर एसी चल रहा है, तो अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर गर्मी है। रांची का टेम्परेचर है लगभग अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस, मैंने चेक किया था। तो रांची में अच्छा वेदर हो रहा है, रात का अराउंड 24-25 है। तो हम लोग जाएंगे चोपन होके। चोपन एक स्टेशन है, अब एग्जैक्टली छत्तीसगढ़ में आता है झारखंड में आता है ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। नेक्स्ट स्टॉप इज कानपुर, यहाँ से अराउंड स्ट्रेट कानपुर है अगला स्टॉप, फिर प्रयागराज है, अलाहाबाद। राइट नाउ इट्स 3:58, अराउंड 12 मिनट में हम निकलेंगे इधर से। बाय द वे मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि जब मेरे 100K हो जाएंगे तो मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, तो अभी बस मेरा प्लान वैष्णो देवी का था। इतना ज़्यादा रश था जम्मू की ट्रेन में कि मैं ट्रैवल नहीं कर पाया। पहले रांची जा रहा हूँ, रांची से फिर कहीं जाऊँगा, कहीं से फिर वापस दिल्ली आऊँगा, फिर मैं जाऊँगा वैष्णो देवी। मुझे काफ़ी DMs आ रहे हैं, आपने बोला था वैष्णो देवी जाओगे, तो भाई जाऊँगा ही, जब मैंने प्रॉमिस किया खुद से तो मैं जाऊँगा ही, प्रॉपर चल के जाऊँगा ऊपर। डस्टबिन वगैरह भी दिए हैं प्रॉपर, तो ये अच्छा है एंड साफ़ सफाई काफ़ी बढ़िया है। तो काफी बढ़िया है, मतलब नॉर्मल जैसा होना चाहिए वैसे ही है। अगेन मैं कहता हूँ जैसे कि वो कार्पेट्स वगैरह होते हैं ना, वो भी होने चाहिए, ज्यादा एक वो आता है, एक लग्जरी वाली फीलिंग आती है। जर्नी जो है 17 घंटे की है एंड रांची राजधानी हमेशा फुल रहती है, कभी खाली नहीं होती। आई थिंक इसमें तो होना चाहिए। मैंने कभी हावड़ा राजधानी में ट्रैवल नहीं किया, तो कभी ना कभी जरूर करूंगा, तो इसमें तो खैर होना चाहिए। अब देखते हैं भाई फूड सर्विसेज कैसी आती है। रांची हम पहुंचेंगे कल 9:20 में। नेक्स्ट स्टॉप इज कानपुर, रात में आएगा 11 बजे आएगा अलाहाबाद, उसके बाद अलाहाबाद प्रयागराज आएगा एंड देन आएगा रात में 2:45 में चौपन आएगा एंड रांची है यहाँ से अराउंड 1,244 किलोमीटर। कल पहुंचेंगे अराउंड 10 बजे तक। भाई जर्नी होने वाली है बहुत कमाल की एंड इसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो मजा आएगा। अभी वेट करते हैं स्नैक्स का, लगभग अराउंड 5 मिनट्स में हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी टाइम देख लो 4:06 हो रहा है, लगभग अराउंड 4 मिनट में। सेकेंड एसी की प्राइस की तो लगभग अराउंड 3,800 रुपीज है। जो थर्ड एसी का प्राइस है वो है अराउंड 2,500। डायनामिक है तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, कई बार तो सेकेंड एसी का प्राइस 4,000 प्लस हो जाता है, क्योंकि मुझे वर्थ नहीं लगता, बट कई बार क्या होता है कि
अगर यहाँ पे आपको फर्स्ट एसी में नहीं मिल रही टिकट तो सेकंड एसी में लोग जाते हैं जिनको इमरजेंसी में जाना है, या तो आप थर्ड एसी में लो टिकट वो सही पड़ेगा, पैसे बचा लोगे, ट्रैवल कर लोगे, या तो फर्स्ट एसी में लो, बिकॉज फर्स्ट एसी और सेकंड एसी का जो प्राइस डिफरेंस है ना वो हराम 1000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है, 1500-800 रुपए का। तो यार उससे अच्छा तो यार यही है कि फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर लो, ज्यादा बेटर है क्योंकि सेकंड एसी में भी अच्छा खासा पैसा दे ही रहे हो। तो ये मेरी ओपिनियन थी, बाकी आप लोग का क्या सोचना है कमेंट कर सकते हो। दिल्ली से हम निकल चुके हैं टूवर्ड्स रांची, 1200 किलोमीटर जर्नी करने के लिए। आई होप आप रेडी हो गए, बहुत सारा मजा आने वाला है एंड बहुत सारा फूड एक्सपीरियंस भी हमको मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉप इज स्ट्रेट कानपुर जो आएगा अराउंड 9 बजे, उसके पहले आ जाएंगे स्नैक्स। अब हम चलते हैं अंदर, वो देख रहे हो आप फ्लैग, सीपी वाला फ्लैग है मेन गार्डन के ऊपर लगा हुआ है एंड दिल्ली से मतलब पास में ही है, सीपी बिल्कुल जुड़ा ही हुआ है। अगर कभी ट्रांजिट हो ना आपका दिल्ली से तो हाँ, एक और बार बता दूं, जो अपना नया लाउंज खुला है ना दिल्ली में NDLS में प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर एग्जीक्यूटिव लाउंज खुला है, कल मैं गया था क्योंकि टिकट मेरी कंफर्म नहीं हुई तो मैं चला गया था वापस। भाई वो लाउंज एक नंबर है, बहुत कुछ है, 100 रुपए में एंट्री हो जाती है, फ्री चाय और कॉफी वगैरह मिल जाएगी, और अगर आपको आराम करना है तो एक सूट ऑप्शन भी है वहाँ पे जो 500 रुपए में आप 2 घंटा रेस्ट कर सकते हो एंड पूरा प्रॉपर बुफे है। तो अगर दिल्ली में ट्रांजिट है ना आपका 3-4 घंटे का, तो या तो आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 चले जाओ या तो आप चले जाओ सीपी, आराम से रेस्ट करो वापस आ जाओ। काफी ज्यादा फैसिलिटीज जो है अभी बड़ी है, वो आप देख रहे हो ना उस साइड है आनंद विहार, तो वहाँ से भी काफी ट्रेन चलती हैं। ये हम बाईपास कर रहे हैं आनंद विहार से एंड गाजियाबाद हमारा स्टॉप नहीं है ऑफ कोर्स, एंड गाजियाबाद से हम निकल जाएंगे टुवर्ड्स कानपुर। तो हमें पानी की बॉटल्स वगैरह सर्व की गई हैं, तो बेस्ट पार्ट है कि प्रॉपर ट्रे में लेकर आए थे, ये नहीं है हाथ में पकड़ा दी, चाहता तो मैं 2-3 ले सकता था बट मैं लूंगा एक, आगे जरूरत पड़ेगी तो। अच्छा हाँ, किसी ने नोटिस किया है क्या, जो मतलब रेलवे का जो ये पानी होता है ना रेल नीर का, मतलब उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है यार, मतलब कंपेयर टू अदर। इसमें ब्राउन ब्रेड हो जाएगी? सुनिए ना, कॉफी मैं एक्चुअली कॉफी लूंगा तो मिल्क पाउडर एक्स्ट्रा ले आइए। स्नैक्स इज हियर, एक एक करके देखते हैं क्या है। तो सबसे अलग मुझे ये लग रहा है, ये कोई रोस्टेड आलमंड्स दिए हैं अलग तरीके से, मैंने मिल्क पाउडर मंगाया थोड़ा एक्स्ट्रा एंड मैं पीऊंगा कॉफी, जैसे आपको मालूम है कि आजकल थोड़े बहुत, अरे बाप रे, मैंने एक्स्ट्रा मंगाया था, देखो कितने सारे दे गए। तो ये तो खैर अनलिमिटेड मंगा सकते हो, आप चाहो तो जितने चाहो मंगा सकते हो। ये है आलमंड्स, ये है रोस्टेड आलमंड्स, ये काफी अलग है। ये मिला है हमको सैंडविच जो कि व्हाइट ब्रेड का है, मेरा मन तो नहीं है खाने का इसको एंड हाँ, मुझसे मतलब लास्ट व्लॉग में कोई पूछ रहे थे कि मैंने व्हाइट ब्रेड खा ली, मैं आता नहीं हूँ। यार कई बार क्या होता है ना, इतनी भूख लगी होती है कि कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो लास्ट टाइम जैसे मुझे ब्रेकफास्ट करना था, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी तो ऑप्शन नहीं था, तो मैंने व्हाइट ब्रेड ही खा ली। अभी भी हमको व्हाइट ब्रेड मिली है। मेरी ओपिनियन है कि अगर हम ब्राउन ब्रेड सर्व करें ट्रेन में तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, मैक्स से मैक्स लोग खा सकेंगे। बाकी अभी देखूंगा, शायद आधी ब्रेड में खा लूं, कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर कोई क्या करूंगा, वेस्ट नहीं करूंगा, लेट्स सी मैं क्या करता हूं। यहां पे हमको मिला है ये पिस्ता, स्वीट में है, ये हमको मिला है कप, खैर कप पानी के लिए दिया है, बाकी जो कॉफी वाला कप है वो ये है एंड मैंने मिल्क पाउडर मंगाए थे एक्स्ट्रा, तो ये बहुत सारे मिल्क पाउडर्स आ गए हैं। साथ में हैंड सैनिटाइजर दिया है जो कि हम यूज करेंगे लास्ट में, अभी यूज नहीं करेंगे इसको। ये है कोई स्नैक, आई थिंक ये होगा समोसा एक्चुअली, जो काफी फ्रेश और काफी बढ़िया लग रहा है। समोसा भी है, ये सैंडविच भी है, केचप भी है, कॉफी भी है, ये नमकीन भी है एंड आलमंड्स। नाश्ता बोलना पड़ेगा, बहुत कुछ है, बाकी मैं सैंडविच टेस्ट करूंगी, ये समोसा टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है, बहुत कुछ दिया है, अब समझ में आएगा मेन टेस्ट में कैसा है। पहले टेस्ट करते हैं ये समोसा जो कि काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है मुझे एंड सॉस भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। एक्चुअली ये जो पैकेट है थोड़ा बड़ा वाला पैकेट है ना, तो इसमें सॉस की जो क्वांटिटी रहती है वो ज़्यादा रहती है। काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी फ्रेश है, गर्म भी है। समोसे को आई वुड गिव 8.5/10 दे सकते हैं। तो ये सैंडविच अंदर तो नहीं बनता होगा, बाहर से आता होगा 100% श्योर। तो ये मेयो सैंडविच लग रहा है मुझे, प्रॉपर मेयो सैंडविच एंड काफ़ी अच्छे से पैक होके आया है अंदर से। टेस्ट करते हैं उसको कैसा है कैसा नहीं। तो ये चीज़ मेयो सैंडविच है, 9.5/10, बहुत टेस्टी है और काफ़ी ज़्यादा फैट भी है इसमें। मुझे पता है मैं नहीं खाता हूँ वाइट ब्रेड, बट कभी कभी मजबूरी का नाम गांधी होता है। मैंने क्या लंच स्किप, अपना लंच स्किप कर दिया एक्चुअली, ज़्यादा खाना दिखा सकूँ तो अभी खा लेता हूँ यार, अब चीट भी कभी कभी करना चाहिए। बाकी ये बहुत टेस्टी है यार, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मतलब अगर मेरा मन होता ना मैं 3-4 खा लेता, बट 3-4 तो नहीं, एक ही खाओ वो बेटर है। तो ये देखो यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है 4 जून, मतलब आज ही के दिन जो है ये पैक हुआ था समोसा, काफी फ्रेश भी था ऑफकोर्स, डेट लिखी हुई है मतलब अश्योरेंस है कि बॉस ये फ्रेश है। और इस सैंडविच यार मैं क्या बोलूँ, मैंने इतनी जर्नीज की हैं, आपने देखा होगा पहले पास्ट में कितनी बार मैंने ट्रैवल किया, लेकिन ये भाई चीज़ मेयो सैंडविच यार,
बेस्ट था। मतलब आई नो काफी ज्यादा फैट था, मैं खाता नहीं हूँ वाइट ब्रेड, मुझे पता है काफी लोग कमेंट करेंगे तो आप खाते नहीं हो, लेकिन कई बार क्या होता है कोई ऑप्शन बचता नहीं है, अब क्या करें यार, भूख भी लगी हुई है बहुत तेज, लंच मैं कर चुका हूँ स्किप, तो अब मैंने खा लिया, वैसे भी रात में खाऊंगा वेज, रात में देखेंगे थोड़ा बहुत कम खा लेंगे। तो अभी मैं खा रहा हूँ बादाम, एक्चुअली मैंने ना 3-3 मिल्क पाउडर मिलाया है इसमें, काफी मस्त लग रही है कॉफी, अब पी के देखते हैं, खैर बढ़िया ही होगी क्योंकि पहले मैं 2 मिलाता था, अभी 3 मिलाया है मैंने, जो प्रॉपर कॉफी है ये मैंने 1 ही मिलाई है, अगर 2 होती ना तो ये भी 2 मिला देता, हालांकि इस कॉफी का टेस्ट काफी बढ़िया है मुझे पता है, मैंने काफी बार पी है पहले। सुनने में आ रहा है कि इस ट्रेन का नॉन वेज फूड काफी बढ़िया है, सुनने में आ रहा है, लेकिन मैं खाऊंगा आज वेज रात में, ठीक है, एंड कल जो ब्रेकफास्ट है वो करेंगे हम नॉन वेज एंड कटलेट भी कर लेंगे। कॉफी स्नैक्स इसके साथ जो ट्रैवल, अलग लेवल कॉम्बिनेशन है यार। आप लेंगी? बनी हुई चाय का भी ऑप्शन है एक्चुअली, उन्होंने दी थी नॉर्मल, अच्छा तो बनी हुई चाय भी आपको मिल सकती है, आपको डिमांड करनी पड़ेगी, खैर मेरे दिमाग से निकल गया तो मैंने तो भाई वो वाली अपनी मिल्क पाउडर वाली चाय पी, लेकिन बन के भी आई है। वी आर क्रॉसिंग बाय अलीगढ़, यहाँ से अगर आप आगरा जाना चाहते हो तो वो अराउंड 86 किलोमीटर दूर है, अलीगढ़ से हम आगे आ चुके हैं। बात करें हम वॉशरूम की तो काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी साफ है, सब कुछ दिया हुआ है, जेट भी है, नीचे भी देखो प्रॉपर जो है मैट वगैरह दिया हुआ है। तो राइट नाउ इट्स 6:17 एंड वी आर क्रॉसिंग टुंडला, यहाँ से आगरा और भी ज़्यादा पास है, आई थिंक 30-40 किलोमीटर दूर हो गए यहाँ से, लगभग अराउंड कह सकते हो 200 किलोमीटर अप्रॉक्स हमने कवर किया है। अभी हो रहा है 6:50 और हमारा सूप आ चुका है, इस बार नॉर्गन ही इन्होंने ये दिया है कैफे टी, तो पहले मैंने एक जर्नी की थी तो उसमें भी हमको ये दिया था। ये जो सूप है ना होता तो टेस्टी है नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा ना जब को डालते हैं ना पाउडर तो ये हवा में बहुत ज्यादा उड़ता है, नाक में घुस जाता है, हालांकि इसका टेस्ट जो है वो नॉर्थ से बेटर है। 6:50 को ही हमको जो है सूप दे दिया है, काफी जल्दी दे दिया मेरे हिसाब से, तो 1 घंटे बाद देते तो ठीक था, बट दे दिया है तो पी लेते हैं भाई। एक चीज बोलना चाहूंगा, कभी ना सूप में मिल्क पाउडर ट्राई करना, मतलब आपको लग रहा होगा देख के कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन बिलीव जो नॉर्मल सूप बनते हैं ना अपने टोमेटो वाले उनमें भी थोड़ा बहुत दूध डलता ही है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड किया है बिकॉज भाई टेस्ट एक नंबर हो जाता है। एनीवे जो ये सूप है ना ये उतना थिक नहीं है, मतलब जब आप इसको डालोगे तो थोड़ा पतला ही रहता है, नॉर का थिक रहता है, एंड इसके बाद आप ये डाल सकते हो, क्योंकि मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया इसमें ऑलरेडी, एंड अभी डाल रहा हूँ थोड़ा सा सूप, हवा में बहुत उड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हवा में उड़ता है। ये मैंने बटर डाल दिया है, मिल्क पाउडर डाल दिया है, कुछ ऐसा दिख रहा है मिल्क पाउडर डालने के बाद, बटर डालने के बाद कुछ बढ़िया सा दिख रहा है, कलर देख सकते हो कितना गजब का कलर आया, टेस्ट बताऊं तो टेस्ट भी काफी बढ़िया है। टेस्ट को मैं दूंगा 9/10, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने बनाया है कुछ से, बट ये अच्छा है, कभी आप भी ट्राई करना मिल्क पाउडर डालना सूप के अंदर, जो नॉर्मल सूप भी बनते हैं ना रेस्टोरेंट्स में तो उसमें भी उन लोग थोड़ा बहुत दूध डालते हैं फॉर द कलर, अच्छा लगता है, ट्राई करना, मेरा एक्सपेरिमेंट है। Guys, right now it's 7:13 and we are right now it's 7:13 and we are crossing Itawa and यहाँ से around 130 kilometers और है कानपुर। Right now it's 8:19 और लगभग around आधे घंटे बिफोर चल रहे हैं हम लोग, कानपुर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। आवर डिनर इज हियर। एक प्रॉब्लम ये है कि कानपुर हम आ चुके हैं बिफोर, अंकल को भी उतरना था कानपुर में और खाना इनको लेट लाके दिया इन्होंने, इनके पास टाइम कम है खाने का, तो ये जो जल्दबाजी में होता है ना खाना वो मजेदार नहीं होता। मेरे को भी क्या है कानपुर है थोड़ा सा, आपको पता है कि जो थोड़ा व्लॉग करना होता है, तो अब मैं समझ नहीं आ रहा कि इसको खाऊं या उतरूं, और 6 किलोमीटर दूर है, और मैंने इनको बोला कि थोड़ी देर बाद लाना, वो कह रहे थे कि आप अभी खा लो प्लीज़, तो देखते हैं पहले इसमें है क्या क्या। बाकी मैंने जो है पनीर पकौड़ा मंगाया, तो ये अलग से मैंने मंगाया था, मैंने इनको कहा था कि चिली पनीर भी लेके आना, लेकिन वो नहीं लेके आए, तो पहले पनीर पकौड़ा टेस्ट करते हैं, और काफ़ी गर्म गर्म है, काफ़ी फ्रेश लग रहा है, ये काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी टेस्टी है, 9/10 बहुत बढ़िया है।
अभी 20 मिनट बिफोर हम आ रहे हैं कानपुर में, बहुत सारा टाइम है। ए प्लेट को मैं इधर रख देता हूँ, इधर रख देता हूँ, सही रहेगी। सबसे बेस्ट पार्ट में बताऊँ आपको कि जो चपातीज है ना प्रॉपर अंदर बन के आई हैं, ये पराठे नहीं दिए हैं इन्होंने, प्रॉपर जो है अंदर बना के लाए हैं, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। हालांकि कटरीज नहीं दी और ना मैंने मांगा है, मेरा फोकस रहता है कि जो आए मैं दिखा दूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं उनको बोलूँ वो लेकर आए फिर मैं आपको दिखाऊँ, ऐसे तो फिर वो पीआर लगेगी ना कि मतलब जबरदस्ती मैं रिव्यू दे रहा हूँ। जो लाए हैं कटलरी नहीं दी तो नहीं दी, और प्रॉपर हाँ ये चपाती लाए अंदर बना के, काफी बढ़िया है। इसके अंदर देखते हैं क्या है। ये है प्रॉपर आलू की सब्जी जो कि मेरी फेवरेट होती है, आपको पता ही है हर बार मेरी फेवरेट, एंड मैंने मंगाया है इस बार वेज। ये है दाल, इसको भी टेस्ट करेंगे, और सारा मैं जो है रैपर वगैरह में सोच रहा हूँ यहाँ पर रख दूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें है दाल, इसमें है सब्जी, ये होगा अपना पनीर, और ये है हमारा मटर पनीर। आई होप बटर पनीर होता बट मटर पनीर लेके आए हैं। तो ये है हमारा डिनर, ठीक है, एंड इसमें होंगे चावल एंड ये है दही। इन्होंने स्वीट्स नहीं दिए है, इसका मतलब ये है कि इन लोग लाएंगे आइसक्रीम। आई होप आइसक्रीम में कुछ अलग हो, वनीला ना हो, बिकॉज वनीला बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, कुछ अलग लाएं। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, एक एक करके टेस्ट करते हैं इसमें। पहले टेस्ट करते हैं दाल। देखो दाल मैं क्या है थोड़ा बहुत ना मिक्स कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा ठीक हो गई अपने आप। तो दाल काफ़ी लग रही है टेस्टी, एंड टेस्ट करते हैं। दाल काफ़ी बढ़िया है, 9/10 काफ़ी बढ़िया दाल है, इसमें कोई शक नहीं है। पनीर देखो दिखने में और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। पैसेंजर चढ़ेंगे यहाँ पे तीनों जगह। पनीर भी जो है काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी टेस्टी है। ये जो पनीर और मटर पनीर है इसमें ग्रेवी जो है थोड़ी कम है, तो रोटी के साथ खाने में अच्छा लगेगा। इसमें है चावल, तो ये है कुछ डिनर नॉर्मल है, मेन तो ये टेस्ट करना भूल ही गया। ये तो एवरग्रीन है यार। कानपुर हम आ चुके हैं और मेरा डिनर चल रहा है यार, यही तो प्रॉब्लम है। सो फार वी हैव कवर्ड अराउंड 440 किलोमीटर 4 घंटे में डॉट। दिल्ली से निकल रहे हैं, बिल्कुल कहीं पे भी कुछ स्टॉप नहीं था, सीधा आके यहाँ पे रुके हैं। हालांकि थोड़ी सी गर्मी है कानपुर में, आज का मौसम यहाँ पे अच्छा है। मैंने खाना खाया, अब मैं थोड़ा वॉक कर रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगे। हालांकि अंदर भी वॉक कर सकता हूँ, एसी के अंदर रह के ना थोड़ा अजीब सा लगता है। तो नो मैटर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करो या सेकंड में, जो बाहर की हवा है ना, ये बाहर का जो मौसम है ना, इसके बिना इंसान का जीवन व्यर्थ है मेरे हिसाब से। जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। हम कानपुर से निकल चुके हैं फाइनली, एंड नेक्स्ट स्टॉप इज स्ट्रेट प्रयागराज, अराउंड 125-130 किलोमीटर दूर है, रात में 11 बजे तक आ जाएगा। यहाँ पे 20 मिनट बिफोर आए थे। वनीला आइसक्रीम खा खा के शादियों में खाते थे, याद होगा जब बचपन में हम सब शादियों में जाते थे, कोई भी शादी हो, जिसके यहाँ देखो शादी में वनीला आइसक्रीम। वो तो चलो बाद में शुरू हुआ कि लोगों ने फिर अलग अलग कुछ कुछ देना शुरू किया, गुलाब जामुन। शादियों में होता था भाई कि सिर्फ वनीला आइसक्रीम ही दे देते, अभी यहाँ पे भी वही है। अगला है प्रयागराज, तो अब वेट कर रहे हैं भाई वनीला आइसक्रीम की, जो हर बार एक दे देते हैं कुछ। यार कुछ तो अलग, यार एक ही बार हुआ है कि मुझे संडे मिली है, आपको याद होगा, उसके बाद तो वनीला पे वनीला ही देते हैं लोग, और कुछ देते ही नहीं। आइसक्रीम इज योर वनीला, तो और फ्लेवर भी नहीं है इनके पास, भी है कोई बटर स्कॉच वगैरह? नहीं सॉरी सर, ओनली ये। भगवान वनीला खा खा के यार क्या होता है। अब आप बोलना मत कि मैं कंप्लेन करता हूँ कमेंट्स में, लेकिन अब आप खुद सोचो। अच्छा गाइस एक और चीज़ मुझे आप लोग बताओ कमेंट करके कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो वीडियो, कौन कौन से लोग कानपुर से हो एंड कहीं से भी हो ना ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके बताओ मुझे कि आप लोग किधर से हो। अगर मुंबई के ज़्यादा हुए या अगर दिल्ली के ज़्यादा हुए तो देखेंगे मीटअप कहाँ करना है, नागपुर के काफ़ी हैं लास्ट वीडियो में बताया, आप जहाँ से भी हो कमेंट करके बताओ। इट्स 9:59 भाई, कोई भी जर्नी बिना चाय के एंड कैसे हो सकती है। मैंने इनसे मंगवाई थी एक्स्ट्रा चाय और ये लेके आए हैं, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ये और डाल रहे हैं भर के, ठीक है, एकदम कड़क लाए हैं, कड़क चाय लाए हैं, अब ये पियेंगे भाई। इसके बाद मैं शायद जो अपना कैबिन है शिफ्ट करूंगा, दूसरे वाले कैबिन में जाऊंगा। एक फैमिली है जिनमें इनकी एक सीट यहाँ है एक वहाँ पे, तो अब ये खत्म करते हैं, इसके बाद वहाँ जाएंगे। वो वाली चाय नहीं है जो हम पीते हैं पानी वाली बाहर, ये अलग बना के लाए हैं, टेस्ट करता हूँ। एक नंबर बनी है, एक नंबर, 10/10 मैंने बहुत कम दिया, 10/10 आपने देखा होगा मैं बहुत ही कम देता हूँ इसको तो भाई। राइट नाउ इट्स 11, वी आर इन प्रयागराज। हमने कवर किए हैं कुछ 640 किलोमीटर लगभग अराउंड फ्रॉम दिल्ली। अभी जो है सीट का लफड़ा चल रहा है इधर उधर, तो शायद मैं उस वाली सीट में जाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे हूँ, फिर अभी मैं यहाँ जाऊंगा, अब देखते हैं एडजस्टमेंट होगी जैसी होगी। एंड यहाँ पे हमारा 2 मिनट का स्टॉप है, ज़्यादा स्टॉप है नहीं। बाय द वे प्रयागराज जो है ना हिंदू पिलग्रिम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे नदियाँ आके मिलती हैं, और कुंभ के मेले में तो यहाँ पे आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, मतलब ट्रेन्स वगैरह बसेस फ्लाइट्स वगैरह सब
और चलती हैं कुंभ का जब मेला लगता है। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम प्रयागराज। ये देख लो निकल चुके हैं। गुड न्यूज इज मुझे लोअर मिल गई है ए में, मतलब जहाँ पे था मैं वहीं मिल गई। टाइम लैप्स वगैरह बेडिंग के वो तो मैं नहीं ले पाऊंगा बिकॉज लाइट्स ऑलरेडी बंद है। चालू करूंगा वो सब भी नहीं कर सकता, अंदर कोई ऑलरेडी है एंड बच्चा जो है सो रहा है, तो इस वाले कैबिन में थोड़े बच्चे हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ कल, बेडिंग वेडिंग लगाता हूँ अपनी, कल मिलता हूँ आपसे। ये बेडिंग वगैरह मैं लगा चुका हूँ एंड चादर वगैरह बॉस एक नंबर है, पूरी साफ है। बिलीव मी जो पिलो वगैरह मिलते हैं ना काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के मिलते हैं, नैपकिन वगैरह भी मिला है। मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह, बैटरी भी नहीं है। अभी गंगा जी आएंगी, गंगा जी को कैप्चर नहीं कर पाएंगे क्योंकि रात का समय है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राइट नाउ इट्स 6:25 इन द मॉर्निंग एंड वी हैव कवर्ड अराउंड 1000 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली और हम आ चुके हैं झारखंड के बरवाडी में। यहाँ से जो है इसके बाद हमारा अगला स्टॉप सीधा रांची होगा। मैं सुबह सुबह चाय पी रहा था, चाय पीते पीते जो है पता ही है टाइमिंग अजीब ही चल रही है लाइफ में, अभी भी यही हुआ। चाय पी रहा था और चाय पीते पीते आ गया स्टेशन। सुबह मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अभी इतनी गर्मी नहीं हो रही है। यहाँ पे एक्चुअली तो हमारा 5 मिनट का स्टॉप लेकिन हम लोग 23 मिनट लेट चल रहे हैं, चक्कर में हमको पहले निकाल दिया। एंड भाई साहब जब से सुबह से उठा हूँ ना, जब से झारखंड में ऐसी ग्रीनरी चल रही है, हर जगह बहुत ग्रीनरी है भाई। अब देखते हैं आगे नज़ारे कैसे मिलते हैं। टाइम देख लो अभी कितना हो रहा है, 6:38 हो रहा है। हम लोग प्रॉपर जंगल से निकल रहे हैं बॉस, प्रॉपर आवाज आ रही है यार, मतलब अंदर जंगल से घना जंगल है ये पीछे। हालांकि इस रूट पे मैं पहली बार आ रहा हूँ। सुबह चाय लाए थे ना वो बना कर लाए थे प्रॉपर अंदर से, मतलब ये अच्छी बात है, ये भी ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। पता नहीं कि सिर्फ मेरे लिए लाए थे या सबके लिए लाए थे बना के। कोई तो जंगल से निकल रहे हैं बहुत देर से और यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा एंड अभी थोड़ा थोड़ा नेटवर्क आ रहा है, लेकिन देखो ना अभी भी 2G चल रहा है। अभी हमारी लोकेशन इधर है, आप देख सकते हो अभी जो ग्रीन वाला सीन चल रहे थे ना वो यहाँ चल रहे थे। अभी हम लोग हैं यहाँ पे, हम जा रहे हैं यहाँ पे रांची। रांची के अगर आप थोड़ा सा आगे निकलोगे तो जमशेदपुर मिल जाएगा, उसके भी आगे है कोलकाता। ब्रेकफास्ट इज हियर। अभी हो रहे हैं 7:30, लगभग अराउंड 60 किलोमीटर दूर होंगे हम रांच प्रयागराज के बाद, मतलब हमारी स्पीड जो है काफी स्लो ही है। 800 किलोमीटर कवर करने में काफी टाइम लग गया। रीजन यही है कि जो ये रूट है कभी सिंगल है कभी डबल है, सिंगल डबल है, उतना अच्छा रूट है नहीं है, चक्कर में जो है टाइम ज्यादा लग रहा है। सिर्फ 60 किलोमीटर हमको कवर करने में लेकिन 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। बाकी ये ब्रेकफास्ट आ चुका है, मैंने दोनों चीज मंगाई है, ऑमलेट कटलेट, ये हो गए हमारे कटलेट। ओ भाई दिखने में एक नंबर लग रहे हैं। ये है कटलेट, ये है ऑमलेट। कल स्नैक्स में आई थी वाइट ब्रेड लेकिन अभी आई है प्रॉपर ब्राउन ब्रेड, वो अच्छी बात है। पूछने वाली बात ये है कि मैं सैंडविच खाऊंगा इसके साथ या इसके साथ, तो देखते हैं मैं किस साथ खाता हूँ सैंडविच। आई थिंक थोड़ा एग डाल लूंगा, थोड़ा वो डाल लूंगा एंड मिक्स करके खा लूंगा। अजीब सा अतरंगी कॉम्बिनेशन है, मुझे पता है, जज मत करना। ठीक है यार खाना धोना पड़ेगा। और ये कॉर्नफ्लेक्स है कि इसमें मिक्स करके खा सकते हैं आप, बाकी इसके अंदर ये भी वही है। तो नाश्ता जो है काफ़ी सिमिलर है, मैं इनसे कॉफ़ी सामग्री मंगाऊंगा क्योंकि मुझे पीनी है कॉफ़ी। तो टेस्ट करते हैं फटाफट ऑमलेट, इसी को देखना है। बढ़िया ऑमलेट है, नॉर्मल है, नमक थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी तो सब बढ़िया है। आप लोग ये मत सोचना कि मैं इनको तरीके से ग्रिल कर, ऐसा कुछ नहीं है, जो होता है मैं बता देता हूँ। हल्का सा नमक ज़्यादा है बाकी तो बढ़िया है। एंड मेरा फेवरेट है कटलेट, कि दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। खा के देखते हैं ये कैसा है, काफ़ी क्रिस्पी है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। कंपेयर टू ऑमलेट कटलेट बहुत अच्छा है। अगर आप लोग मुझे कोई इंडियन कॉफ़ी हाउस गए हो तो वहाँ पर जब आप कटलेट खाओगे ना बिल्कुल सिमिलर ऐसा मिलेगा। कटलेट्स के अंदर आलू नहीं है, पनीर डाल के दिया है भाई, इसके नंबर तो बढ़ जाते हैं फिर, 9.5-10 देने बनते हैं इसको। तो राइट नाउ इट्स 8:42, 6 किलोमीटर दूर है हम रांची से, बस पहुंचने वाले हैं।
सो राइट नाउ इट्स 8:50 एंड वी हैव रीच रांची. एक घंटा बिफोर पहुंचे हैं. इतनी जल्दी आ जाएंगे मुझे तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्या जर्नी रही है. कल स्नैक्स से लेके डिनर ठीक ठीक था, और हाँ पकौड़े अच्छे थे, और भाई ब्रेकफास्ट. वेलकम टू रांची, द कैपिटल ऑफ झारखंड. भाई साहब मज़ा आ गया यार. एंड यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया वेदर है. दिल्ली से तो काफ़ी अच्छा है. रात का भी 25 डिग्री जाता है इधर, 24-25 जा रहा है. मेरा फर्स्ट टाइम है झारखंड में, देखता हूँ कैसा एक्सपीरियंस होता है. आई होप अच्छा ही हो. जो भी कोई रांची से देख रहा है ये वीडियो, एक बार कमेंट करके बताओ कि आप रांची से हो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. टेक केयर, बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.